नमस्कार। कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं। पटना के विभिन्न चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता गाजे बाजे हाथी घोड़े के साथ राजधानी के विभिन्न चौक चौराहे पर कड़ी धूप और बरसात में भी वहां पर उन लोगों ने पशुपति पारस का स्वागत किया। वहीं पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और आने वाले समय में बिहार में भी अपने विभाग की कई योजनाओं को लागू करेंगे। साथ उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग पासवान लोजपा के नहीं है और असली लोजपा हमारी है। लोजपा के सबसे ज्यादा सांसद हमारे साथ हैं और वैसी स्थिति में तमाम कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी पटना आए हैं, भव्य स्वागत किया गया है। सर, मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा था? मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूँ और बिहार की जनता ने और खास के कार्यकर्ताओं को जो मैंने उत्साह देखा, मैं कभी सोचा भी नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो मैं इस पद पर हूँ, इसके लिए खास करके हाजीपुर की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी जवाबदेही मुझको दी गई है, मैं पूरी निष्ठा से बिहार की जनता का सेवा करूँगा और निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग विभाग जो है उसमें नॉर्थ बिहार में, खास करके हमारे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में लीची का खेती होता है, केला का खेती होता है, ये सब खेती है, तो यहाँ हम निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्ट्री लगवाएंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बड़ा विभाग मिला है सर, आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, क्या कुछ एक्शन प्लान है? लगता है कि बिहार में काफी निश्चित रूप से मैंने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि आप पूरे बिहार का मैप बनाइए। मैप बना करके हो सकता है कि मैं हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में एक यूनिवर्सिटी भी मैं खोलवा दूँ। लोजपा पे इसे अब लग रहा है कि असली लोजपा आप ही लोग की है, क्योंकि जो ताकत दिख रहा है, असली नकली का कहाँ सवाल है, ओरिजिनल लोजपा तो है ही भाई, 6 सांसद हमारे साथ हैं। मान देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, लोकसभा के मुखिया आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्देश जारी हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ कि 6 सांसद के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया, तो फिर लोजपा में फूट कहाँ है? आप कोई अपना अपना डफली अलग बजाता है तो उसको बजाने दीजिए, उससे पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जनता के पर कोई असर पड़ने वाला। आएंगे तो फिर आप लोग ले लेंगे? क्यों ले लेंगे भाई, चलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पशुपति पारस अपनी ताकत दिखा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और तमाम कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। जिस तरह से पशुपति पारस का स्वागत जोरदार तरीके से पटना से लेकर हाजीपुर में किया गया, इससे आने वाले समय में यह संकेत मिल रहे हैं कि पशुपति पारस चिराग पासवान को किसी भी हालत में बकसने के मूड में नहीं है। कैमरा मैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। समय की जांच चौकी सूरज मंडल जो है, यहाँ के उत्पाद विभाग के जो अधिकारी है दीपक कुमार सिंह, यहाँ पे इंस्पेक्टर है, और उनके द्वारा ये जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, तस्करों द्वारा इस गाड़ी में भारी मात्रा में, जो ये जो बैग आप देख रहे हैं, इस बैग में सिर्फ गांजा ही गांजा है। और सबसे बड़ी इसकी कहानी अगर हम बताएं तो इस गाड़ी में एक तहखाना बनाया गया है। तहखाना जो है हम दिखाएंगे, आज है जरा सब दिखाएं तहखाना। और तहखाना इस तरीके से बनाया गया था कि इसे पूरा ये वेल्डिंग किया हुआ था, हालांकि बहुत मुश्किल से खुला था। तहखाना के अंदर जो है अंधेरा है, इस तहखाना में भारी मात्रा में गांजा, यानी कि 11.5 क्विंटल गांजा इसमें रखा गया था। और जब इसकी जांच होने लगी तो कंटेनर तो पूरा खाली, गाड़ी जो है खाली थी, ये जितने भी गांजा थे सब इस गाड़ी में ही, इस बॉक्स में ही रखा हुआ था। और जब एक्साइज विभाग के अधिकारी ने इस गाड़ी को जांच किया, जांच करने के दौरान जब पीछे
का ताला खुलवाने लगे तो जो चालक था वो चालक तो पहले दूसरी गाड़ी पकड़ करके कि हम बिल्टी कटवा करके आ रहे हैं और वो भाग गया, लेकिन जो के इसका जो खलासी था वो जब गलत चाबी उसे दिया उससे इसका ताला नहीं खुल रहा था, ताला नहीं खुला तो हथौड़े से उसने तोड़ना शुरू किया, लेकिन बाद में उसे लगा कि बिहार में हालांकि ड्रिंक भी किए हुए था तो उसे लगा, जबकि उसका स्टेटमेंट भी हमने दिया वो बोल रहा था कि हम गाड़ी टेम्पो पकड़ के इसलिए भागे थे क्योंकि हम ड्रिंक लिए हुए थे और हमें पता था कि बिहार में जो भी ड्रिंक लेता है उसकी जांच होती है तो उसे सजा होती है, इसके लेकर के हम भाग रहे थे, हमें कोई जानकारी नहीं है कि गाड़ी में क्या था। मैं मेरी सर उससे बात हुई थी 200 रुपए पर डे। किससे बात हुई थी? ड्राइवर से। अच्छा। मैं लॉकडाउन से खाली था जी, नौकरी मिल नहीं रही थी। अच्छा। मेरे को गाड़ी सिखाने का वो बोला, लालच दिया कि गाड़ी सिखा दूंगा तेरे को 200 रुपए डेली और रोटी खर्चा, रोटी मैं खिलाया करूंगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जी फरीदाबाद से हूँ। तो इसमें कहाँ से लोड किए थे ये गाड़ी, लेकर कहाँ से आ रहे थे आप? गाड़ी लेके सर हम हरियाणा से आ रहे थे, उधर सर पंखे थे इसमें लोड गाड़ी में। अच्छा, फिर कहाँ खाली किए थे आप? खाली जी मेरे को ये कटक में उतार दिया था कि तू रोटी पानी खा, 200 रुपए दे दिए थे जी मेरे को। अच्छा। कि रोटी पानी खा, मैं अभी आ रहा हूँ एक घंटे में। मैंने उसके साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी इस मारे। अच्छा। तो उसने मेरे को यूँ बताया था कि बिहार में जो पी के पकड़े जाते हैं तो जी सजा है उसमें, तो मैं इसी डर के मारे भाग गया था। आयकर विभाग के अधिकारी जब गाड़ी को बाहर से डंडे से नापते हैं और फिर अंदर आ करके अंदर नापते हैं, हालांकि देखने में तो खाली थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि इस बॉक्स के अंदर इतना मात्रा में गांजा होगा, 11-12 क्विंटल गांजा होगा। अभी तक हम बता दें कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है और जब से एक्साइज विभाग की ड्यूटी समय की जांच चौकी सूरजमंडल में लगी है, तब से अभी तक जो है सबसे बड़ी रिकवरी यानी कि 13.25 क्विंटल गांजा की अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। और इसी ताला खोलने के क्रम में उसका ड्राइवर चकमा देके किसी दूसरे ट्रक पे लिफ्ट लेके फरार हो गया जी। हम लोग जब ड्राइवर का खोजबीन किए तो संदेह बढ़ा और ड्राइवर के खोजबीन के क्रम में खलासी भी भागा और एक टेम्पो से लिफ्ट लेके बहुत दूर निकल गया था, जिसको कि हम लोग पीछा करके पकड़ लिए। उसके बाद जब कंटेनर को खोला गया तो उसके अंदर गुप्त तहखाना बना हुआ था, बॉक्स बना हुआ था। बॉक्स को खोलकर जब देखा हम लोगों ने तो उसमें बोरे में बंद करीब 11 क्विंटल 1100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस रिकवरी से कहीं ना कहीं जो तस्कर है, जो गांजे की जो तस्करी कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटेगा शायद, क्योंकि 25 क्विंटल गांजा है, 13.5 क्विंटल गांजा जो है मायने रखता है। अब आते हैं कि ये जो तस्कर था इस कंटेनर में, तस्कर जो बता रहा था कि उधर से हम लोग फरीदाबाद से फाइल को लोड किया था इस गाड़ी में, उसके बाद कटक में खाली किया था और कटक में ही ये लोग जो है इस गांजा को लोड किया था और गांजा को लोड करने के बाद ये लोग वापिस जा रहा था। जाने के दौरान यहाँ पे समय की जांच चौकी पे उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त की गई ये भारी मात्रा में गांजा। ये सरघाटी से कशिश न्यूज के लिए रामपुर। शहर में जब से आरओबी का निर्माण शुरू हुआ है सड़क पर जो है रफ्तार धीमी हो गई है। इसका खास वजह है कि इसी सड़क से यहाँ कलेक्ट्रेट के पास से ये आरओबी पानी टंकी के पास तक जाएगी, जिसके चलते काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और यही कारण है कि इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और इसका पथ जो है दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि जो लोग आते हैं यहाँ पर, चूँकि इस लाइन में सुधा दूध ब्लॉक और उसके बाद कलेक्ट्रेट पड़ता है, डिग्री कॉलेज पड़ता है, तमाम सरकारी कार्यालय जो है, बड़े बड़े कार्यालय वो इस पथ में पड़ता है, लिहाजा लोग मानते नहीं हैं और इस सड़क से गुजरना वो शॉर्टकट के तहत गुजरना मुनासिब समझते हैं। ऐसे में यहाँ पर चूँकि सड़क निर्माण जो है प्रगति पर है, आरओबी निर्माण प्रगति पर है, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आरओबी का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इस बात को लेकर जो है काम किया जा रहा है, लेकिन चूंकि आरओबी का निर्माण हो रहा है तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन चालू होने की वजह से सड़क पर कहीं कहीं ब्रेकर लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानते नहीं और इस पथ से गुजरना चाहते हैं, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पुल के पास से लोग गुजर रहे थे, जिसको लेकर के JCB मंगाया गया है और वहाँ रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इस पथ से कोई गुजर नहीं सके। हालांकि इसको लेकर के दूसरे पथ से डाइवर्ट किया गया है इस पथ को, ताकि लोग आसानी से कलेक्ट्रेट जा सके, लेकिन लोग मानते नहीं।
ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है लोग कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं इस पुलिया के पास, और इसको चलते प्रशासन को कदम उठाना पड़ा है और यहां से जो है अप्रोच को हटाया गया है ताकि लोग जो है दुर्घटना से बच सके। हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। सर बताइए, यहाँ पर अप्रोच को हटाया गया है किस बात को लेकर? यहाँ इसलिए हटाया गया श्रीमान कि यहाँ मोटरसाइकिल का जाम लग जाता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसके लिए रास्ता बगल से निकाला गया है जाने के लिए, लोग नहीं मानता है इसलिए इसको घेरा जा रहा है। कितने दिन से ये प्रतिबाधित है? लगभग कम से कम एक महीना से ये काम चल रहा है। यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है? दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना होने का चांस है, लोग मानता नहीं है। रास्ता उन लोग के लिए बगल में दिया गया है लेकिन कोई नहीं मानता है, सब इधर से शॉर्टकट जाने के लिए तैयार है, इसलिए उन लोग को रास्ता बंद कर दिया गया है कि कोई दुर्घटना ना हो, इसके चलते बंद कर, इसलिए बंद कर जी। बिल्कुल, यहाँ पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन सतर्क है, और यही कारण है कि यहाँ पर अप्रोच जो तत्कालिक अप्रोच बनाया गया है उसको तत्काल हटा दिया गया है ताकि बाइक चालक जो है इस पथ से गुजर नहीं सके और दुर्घटना की आशंका टली रहे। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र। पट्टी चौक है और महिनाथपुर पंचायत कहलाता था, अब यह इलाका नगर निगम में शामिल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो महिनाथपुर पंचायत का 6 वार्ड नगर निगम में चला गया है और 4 वार्ड पंचायत में रह गया है जो रामपट्टी पंचायत कहलाता है। इसको लेकर के ग्रामीणों का काफ़ी विरोध है कि जो यहाँ 6 पंचायत जो नगर निगम में गया है, पूरा कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र होने के कारण जो है ये नगर निगम में रहना गलत है। और वहीं यही नहीं, इन लोगों का ये भी कहना है कि जो आसपास के और सारे पंचायत हैं उनको छोड़ दिया गया है और जो नगर मैनाथपुर पंचायत है उसके साथ भेदभाव किया गया है। आज जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने आज इस NH को जाम कर दिया। ये NH 527B और 57 को जोड़ता है, इसको लेकर के काफ़ी जो है तो लोगों की भीड़ लगी रही, काफ़ी वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सूचना पाकर सदर SDO अभिषेक रंजन और ASP कामनी वाला पहुंची और इन लोगों से वार्ता करके सड़क को ये जाम को जो है खत्म करवाया। उन लोगों का मांग है कि हम लोगों का जो 6 पंचायत को 6 वार्ड को नगर निगम में कर दिया गया है महिनाथपुर पंचायत को, उसे वापस से महिनाथपुर पंचायत ही रहने दिया जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। कशिश न्यूज के लिए मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर जो झारखंड का पिछड़ा जिला माना जाता है, अगर हम यहाँ बात करें पाकुड़ शहर की, तो इन दिनों पाकुड़ शहर में पानी की समस्या चर्चाओं में बनी हुई है और इसी संबंधित आज हम पाकुड़ शहर के महज 5 किलोमीटर दूरी मालपहाड़ी पंचायत का दौरा किया, तो इस दौरे के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का माने तो जलमीनार योजना जो बनाई गई थी सरकार द्वारा, जो ये मुख्य फंड से 14वीं आयोग द्वारा बनाया गया, जिसमें पानी चालू तो हुआ था बट कुछ महीने बाद पानी नहीं मिली, ये ग्रामीणों की का कहना है। और इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह ये जलमीनार जो है इस पर ना ही नल है और ना ही पानी निकल रही है, सुखार पड़ी हुई है। तो वहीं हम बात करें अगर इस जलमीनार को लेकर, तो इसकी समस्या को लेकर हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का कहना है कि ये चालू किया गया था लेकिन कुछ महीने बाद बंद किया गया, और यहाँ पर एक जो चापाकल आप देख रहे हैं इसी चापाकल से पानी निकल रही है और इसी चापाकल से ग्रामीणों ने अपना प्यास बुझाने का काम कर रही है। तो ये कल से पानी थोड़ा देरी निकलता है, इसका बंद हो जाता है। यहाँ पर बोरिंग करेगा तब तो पानी टंकी पर चढ़ेगा, वहाँ पर तो नहीं है, ऐसा ही कर दिया और चलते बन गया, तो कहाँ से पानी निकलेगा? उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसी की वजह से अभी तक पानी तो आ नहीं रहा है, तकलीफ तो हो रहा है हम लोग को, यहाँ पर जितना भी रहने वाले ग्रामवासी सबको यहाँ तकलीफ हो रहा है, पानी आ नहीं रहा, चापाकल से चला के पानी निकालते हैं और बार बार बेरिंग टूट जाता है, हम लोग को आपस में ही सब जो भी हो मरम्मत करने पड़ता है,
इसमें कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जल मीनार जो बनाई गई थी पानी की समस्याओं को लेकर, तो ये पानी जो है ग्रामीणों की प्यास बुझाने में असमर्थ रही, और इसी पानी की समस्या को लेकर हम उपायुक्त उप विकास आयुक्त के पास हमने गया, तो उन उप विकास आयुक्त का कहना है कि हमने आपके माध्यम से जो प्राप्त हुई शिकायत, इसको लेकर हम एक जांच करेंगे और पंचायत बीडीओ साहब को इस जांच संबंधित अवगत करवा के, और इसमें हो सकता है इसमें पानी के लेयर की कमी की भी समस्या हो, तो पेयजल विभाग द्वारा संबंधित बात करके इसका निदान हम करना चाहेंगे। के माध्यम से सूचना मिली है कि पाकुड़ प्रखंड के मालपहाड़ी पंचायत के खपड़ा जोला गाँव में एक जल मीनार 14वें वित्त आयोग के फंड से बनाया गया था, लेकिन आज उसमें पानी खैर निकासी नहीं हो पा रही है, अनफंक्शनल हो गया। तो हम इसके जांच करा लेंगे, संबंधित वीडियो से हम बात करके उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि एक बार टीम भेज करके इसकी जांच करा लेंगे, और अगर माइनर रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत होगी तो उसको गांव वाला के सहयोग से उसको करवा देंगे, और अगर कहीं पानी का लेयर वगैरह खत्म हो गया होगा, किस कारण से पानी नहीं जा रहा, तो हम पेयजल विभाग से ही बात करेंगे, उनकी टीम भी जाकर उसको देखेगी, और अगर पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं होगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था कराने के प्रयास करें। अच्छा सर, और भी पंचायत में अगर ऐसा देखा गया तो इस पर क्या कुछ? देखिए 14वें वित्त आयोग के फंड से तो एक बार हम लोग बनवा दे रहे हैं, उसमें मरम्मती का प्रावधान है कि नहीं एस्टिमेट में, वो हमको देखवाना पड़ेगा। फिलहाल आप वीडियो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पानी की समस्या बनी हुई है। शमशेर अहमद, कशिश न्यूज़, पाकुड़।